फोर्स ने पार्ले जी फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई कर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अब आगे की कार्रवाई करने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। बता दें कि छापेमार कार्रवाई के समय 14 विभाग के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन हफ्ता भर बीते जाने के बाद भी फैक्ट्री को सील नहीं हो किया गया। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये छापामार कार्रवाई की गई थी और उसके बाद फैक्ट्री का सील नहीं होना जाहिर है, और संचालक को छोड़ देना, फैक्ट्री प्रबंधक पर FIR कराना और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इधर बाल संरक्षण अधिकारी ने भी बताया कि 14 विभाग के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन सील करने की पावर रखने वाले अधिकारी टीम में नहीं थे, इसलिए अब तक फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई नहीं हुई है। पहले पार्ले जी फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की गई थी, अब आगे की क्या कार्रवाई हुई है उसकी? बच्चों की अभी काउंसलिंग कंटिन्यू जारी है, क्योंकि काउंसलिंग 3 चरण का होता है, तो वास्तविकता वहाँ क्या है, बच्चों को कोई शोषण तो नहीं हुआ है, इस संबंध में आज भी बच्चों की काउंसलिंग चल रही है। और पुलिस विभाग के द्वारा बच्चों के बयान दर्ज करने के बाद जितने भी टास्क फोर्स की टीम वहाँ गई थी, सभी का बयान दर्ज कर लिया गया है और विवेचना जारी है। और पुलिस विभाग ने संबंधित फैक्ट्री को भी नोटिस जारी कर समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने निर्देशित किए हैं। ये फैक्ट्री प्रबंधन और उसके संचालक पर किस तरह से अब तक कार्रवाई की गई है? कार्रवाई में अभी सभी को नोटिस जारी किया गया है फैक्ट्री प्रबंधन को, और उनसे सभी रिकॉर्ड्स मंगाए गए हैं बच्चों का, और आगे कार्रवाई तो विवेचना भी जारी है पुलिस विभाग का, और श्रम विभाग के द्वारा भी जो बाल श्रमिक पाए गए थे उसके लिए उनको नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। हमारे साथ नोडल अधिकारी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप मौके पर मौजूद थे, लगभग 26 बच्चों को, बाल श्रमिक को आपने सकुशल बाहर निकाले, तो उस वक्त फैक्ट्री सील ना करने के क्या कारण थे? अब तक फैक्ट्री सील नहीं हुई है। मैं उसके लिए प्राधिकृत नहीं था फैक्ट्री सील करने के लिए, उसमें SDM साहब रहते तब हो सकता था, और हमारी टीम में SDM साहब नहीं है। टीम में कौन कौन थे? टास्क फोर्स का गठन किया गया था, श्रम विभाग थे, WCT था, और विधिक सेवा प्राधिकरण से हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, और श्रम विभाग ने वहाँ पे अपना जो कार्रवाई किया है कि उनको नोटिस जारी किया है। जैसे कि ये बच्चों को तो निकाला गया वहाँ से, तो अभी बच्चे कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है? बच्चे हमारे होम में सुरक्षित हैं, जो अन्य राज्य के बच्चे हैं, और चूंकि लोकल स्थानीय जो बच्चे थे उनके माता पिता के कहने पर और उनके काउंसलिंग करने के बाद उनको उनके परिवार में भेजा गया है और समझाइश दे के भेजा गया है कि भविष्य में किसी प्रकार के बाल श्रम न कराएं और बच्चों को स्कूल भेजें। तो अभी आपने सुना उन अधिकारियों को जिन्होंने वाहवाही लूटने के लिए पार्ले जी फैक्ट्री पर कार्रवाई तो की है, लेकिन अब तक संचालक के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने नोटिस देने की बात कह रहे हैं, नोटिस के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराज कुश, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।